प्रेगनेंसी के लोग बहुत नॉर्मली ले छे, मान लिया 90% केस में नॉर्मले रहते, लेकिन जे 10% केस बिगड़ते वो अहाँ के पहले नहीं पता चलत। जेना अगर बीपीए बढ़े छे तो प्रेगनेंसी के टाइम पे बीपी बढ़ना है बहुत मतलब खराब भ जाए छे, तो ई चीज तबे अहाँ के पता नहीं चलत जब अहाँ चेक नहीं करेबे, किएक तो ओकर कोनो भी मतलब साइन सिम्टम एहन खास नहीं छे जे अहाँ के ओहिना पता चल जाए। तो कहे छे कम से कम जहिना अहाँ के पता चलल जे प्रेगनेंसी रुकल छे तो एकटा विजिट डॉक्टर लग तखने हेबाक चाही, जे कि अहाँ के प्राइमरी पता चलल जे बीपी तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है, बहुत एहन बीमारी जकर कि बहुत लक्षण नहीं छे से अहाँ के पता चल जाए। तकर बाद तो फिर ट्रेमेस्टर वाइज छे, जेना फर्स्ट ट्रेमेस्टर में जे भी जाँच जरूरी छे ओहिके लेल आबियो, सेकेंड ट्रेमेस्टर में बच्चा के ग्रोथ ठीक भ रहल छै कि नहि ताहिके लेल आबियो, और हर इंटरवल पर बीपी शुगर मेजर केनाइ से एकटा बहुत जरूरी रहै छै काज। आब लोग के पंडौल में एते नीक हॉस्पिटल भेट जेतै जतय कहल जा रहल छै कि ई निजी अस्पताल अइ जिला के सबसँ पैघ अस्पताल छै। तऽ हमरा सब संगे एखन डॉक्टर प्रेरणा झा छथि जे दिल्ली एम्स में कार्यरत छलथि और आब एतय रहतथि, तऽ अहूँ सबके बहुत सहायता भेटयवला और मदद भेटयवला अइ, एहि दुआरे कि गायनिक डॉक्टर छथि और महिला सबके खास कर बहुत बेसी मदद भेटतनि। डॉक्टर पहले तो अहाँ के बहुत बहुत स्वागत अछि। धन्यवाद। तऽ केना देख रहल छियै जे हॉस्पिटल एतय खुललै, आसपास के महिला सब छथि और अहाँ गायनिक छी, तऽ कतेक मदद भेटतै महिला सबके? महिला सबके बहुत मदद भेटतै, हमरा हमेशा से छलै जे हम जेना एम्स में पढ़लहुँ तऽ ओकर किछु फायदा हमर गाम घरक लोक के भेटै, ताहि दुआरे हम चाहै छलियै एम्हर सेटल होइ के लेल। ई बढ़िआँ जगह अइ जे कम से कम लोक के रेफरल सेंटर कतौ आओर नहि जाय पड़तै, ई रेफरल सेंटर जकाँ काज करत। एतऽ दिल्ली एम्स सँ आब एतऽ केना लगलै कि मने अपन जगह पर जाकऽ काज करबै और दिल्ली सन जगह के छोड़ देलियै? नहि, अपन जगह हरदम नीक लगै छै, चाहे दिल्ली रहै इंग्लैंड रहै, अपन जगह हरदम नीक लगै छै। अपन गाम घर के लोक, हम पढ़लियै तऽ हमर घर के लोक के किछु तऽ फायदा होइ हमर गाम घर के। अहाँ गायनिक डॉक्टर छी तऽ हम कनी इहो पूछऽ चाहब जे महिला सबके जे स्पेशली अगर प्रेग्नेंट रहै छथिन या ओहि सब समय में कोन सब चीज के कनी ध्यान रखबाक चाही और हमेशा चेकअप करेबाक चाही, तऽ कतेक इंटरवल रहबाक चाही चेकअप करब? हाँ, ई बहुत जरूरी बात छै, जेनाकि प्रेगनेंसी के लोग बहुत नॉर्मली लै छै, मान लिया 90% केस में नॉर्मले रहते, लेकिन जे 10% केस बिगड़तै ओ अहाँके पहिले नहि पता चलत। जेना अगर बीपीए बढ़ै छै तऽ प्रेगनेंसी के टाइम पे बीपी बढ़नाइ बहुत मतलब खराब भ जाए छै, तऽ ई चीज तबे अहाँके पता नहि चलत जब अहाँ चेक नहि करेबै, किएक तऽ ओकर कोनो भी मतलब साइन सिम्टम एहन खास नहि छै जे अहाँके ओहिना पता चल जाए। तऽ कहै छै कम से कम जहिना अहाँके पता चलल जे प्रेगनेंसी रुकल छै तऽ एकटा विजिट डॉक्टर लग तखने हेबाक चाही, जे कि अहाँके प्राइमरी पता चलल जे बीपी तऽ नहि है, शुगर तऽ नहि है, थायराइड तऽ नहि है, बहुत एहन बीमारी जकर कि बहुत लक्षण नहि छै से अहाँके पता चल जाए। तकर बाद तऽ फेर ट्रेमेस्टर वाइज छै, जेना फर्स्ट ट्रेमेस्टर में जे भी जाँच जरूरी छै ओहिके लेल आबियो, सेकेंड ट्रेमेस्टर में बच्चा के ग्रोथ ठीक भ रहल छै कि नहि ताहिके लेल आबियो, और हर इंटरवल पर बीपी शुगर मेजर केनाइ से एकटा बहुत जरूरी रहै छै काज। हाँ, पूरा जे 9 मंथ्स रहै छै तऽ ओहिमे केना चेकअप हेबाक चाही या कोन कोन चीजके ध्यान रखबाक चाही महिला सब? हाँ, ध्यान रखैके लेल छै एनीमिया एक तऽ बहुत पैघ कारण अइ एम्हरके लेल के हालत बिगड़ैके लेल लास्टमे, किएक तऽ लोक ध्यान नहि दै छथिन जे खूनके कमी भऽ जाइ छै, ओकरो बहुत लक्षण आबै नहि छै। अब डिलीवरी होइए, सीजरियन होइ, जे भी होइ, खूनके लॉस तऽ ओहिमे होइते छै, ब्लड लॉस तऽ हमेशा होइ छै। लास्ट टाइममे जाकऽ ओहि चीजके लेल अचानकसँ पेशेंटके हार्टपर असर पड़ै छै एनीमिया रहलासँ, तऽ ओकरो जाँच एकटा जरूरी अइ। ताहि दुआरे प्रेगनेंसीमे कहै छै अहाँ हमेशा डॉक्टरके कॉन्टैक्टमे एटलीस्ट बनल रहू, अगर अहाँके 2 महीनापर बचाबैए तऽ 2 महीनापर ही सही, लेकिन विजिट करियौ। एकटा आओर इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन अहाँसँ पूछऽ चाहब, चूँकि एखन जे मॉडर्न पीढ़ी छै, एखन भागदौड़के चक्करमे या फिर अनहेल्दी डाइटके चक्करमे ज़्यादातर लड़कीमे देखल गेलै कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जे होइ छै से ओहिमे बहुत प्रॉब्लम रहै छै, इरेगुलरिटी मतलब रेगुलर नहि होइ छै, तऽ एकर की उपाय छै या फिर लड़की सबके क्यों चीजके ध्यान रखबाक? हाँ, मेनली मेंस्ट्रुअल साइकिल गड़बड़ी जे एहि एजके लड़कीमे भऽ रहल छै, ई पॉलीसिस्टिक ओवरी होइ छै ने, पीसीओडी कहै छै, ओकर वजहसँ बेसी भऽ रहल छै, और ओकर इलाज सबसे पहिने छै जे अहाँ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करियौ, जे जाहिमे कि डाइट छै, एक्सरसाइज छै, मिनिमम जेनाकि बाहरके खानापर बहुत लोक डिपेंडेंट भऽ गेल छै आइकाल्हि, कि बाहरके खाना सबके बढ़िआँ लगै छै, आसानीसँ भेट जाइ छै, किछु मेहनत नहि करऽ पड़ै छै, तऽ ई सब चीजके अवॉइड करियौ, बाहरके खाना अवॉइड करियौ, किछु एक्सरसाइज अहाँ डेली इन्क्लूड करियौ, अगर अहाँके 10 मिनट यऽ अहाँ 10 मिनटमे रस्सी कूदि सकै छी सएह कहलियै, किछु एहन एक्सरसाइज करू। आ वेट, एकटा ओबेसिटी बहुत बढ़ि गेल छै, तऽ ई चीजके अगर अहाँ एतेक चीज अगर अहाँ मैनेज कऽ लेबै तऽ साइकिल 50% रेगुलर भऽ जेतै। फैट मेनली कंट्रोल कर, मेनली ओबेसिटी कंट्रोल करैके छै। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो अपने सब सुनलो जे डॉक्टर बहुत सारा एहन इम्पोर्टेंट चीज बतेलथि है और जे कि आइ काल्हि के जे जेनरेशन छै ओहिमे बहुत बेसी पायल जाइ छै, तऽ अहिना हिनका सङ्गे समय दर समय बैसैत रहब, ई पहिल छी भेटघाट और पहिल इंटरव्यू छनि हिनकर। लेकिन जे काजक चीज छै जेना हेल्थ के लऽ कऽ जे भी इशू रहै छै से लऽ कऽ हमसब हिनका सङ्गे आगुओ बैसैत रहब, तऽ हमरा सब सङ्गे अहिना हिनका सङ्गे डॉक्टरसँ जे जरूरी चीज छै से जानय लए बनल रहू।